नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, कल एक जो लेटर आया था उसकी हमने बात की थी। उस लेटर का जो वापस है INC की तरफ से एक लेटर वापस सामने आया INC का। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि अर्जेंट एंड इमीडिएट जनरल नोटिस है, ये अर्जेंट भी है और इमीडिएट भी है ना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली हैज़ रिसीविंग क्वायरीज रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द नोटिफिकेशन। 6 तारीख को जो कॉपी अटैच टू द रेडी कॉल्ड नोटिफिकेशन अंडर द लेटर हेड इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स अंडर द नर्सिंग स्टूडेंट आर टू डिजाइन द नर्सिंग ऑफिसर्स। नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सिंग ऑफिसर बोला जाएगा एंड दे वुड बी द कंसिडर्ड इज इक्वल टू MBBS जूनियर डॉक्टर और उन्हें MBBS जूनियर डॉक्टर के बराबर समझा जाएगा। थ्रू दिस रिबेटल नोटिफिकेशन इट इज हियर बाई कैटेगरी लिस्टेड दैट नोटिफिकेशन 6 of 2023 डेटेड 5/6 अबाउ सब्जेक्ट इज फेक एंड फेब्रिकेटेड। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो नोटिफिकेशन आपका ये फेक है, ठीक है, और फेब्रिकेटेड है डॉक्यूमेंट, और इसमें जो सिग्नेचर है वो भी आपके फेक सिग्नेचर है। एंड सच नोटिफिकेशन नेवर बीन, ये आगे क्या वर्ड आ गया, चलो ठीक है, नॉर इश्यू बाय द, चलो कहने का मतलब सिंपल सा एक ही आ गया अपना, फेथफुली भी आ गया। ठीक है, कहने का मतलब है एक सेक्रेटरी की तरफ से जारी हुआ है नोटिफिकेशन की जो आपने न्यूज़ देखी थी कल, आप खुशी से आप जो आप लगा रहे थे, क्या स्टेटस लगा रहे थे आप, जो अपने व्हाट्सएप पे आप अपने आप को कह रहे थे डॉक्टर, आप अपने आप को कह रहे थे जूनियर डॉक्टर, आप अपने आप को कह रहे थे नर्सिंग ऑफिसर्स। तो ये देखिए, नर्सिंग ऑफिसर तो आप हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई भी अगर बच्चा या बच्ची है वो तो मुझे पता है वो नर्सिंग ऑफिसर है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कब का बोला उसको नर्सिंग ऑफिसर माना जाएगा, और बाकी का भी मुझे पता नहीं था। ठीक है, कहीं कि राजू मोर भी होगा, लेकिन आपको सिंपल सा बता दें कि ये नोटिफिकेशन क्या है, फेक है। अब दूसरी चीज़ किसे रिजल्ट कब आएगा, बहुत बच्चों का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था रिजल्ट कब आएगा, सर उसकी भी बात बता दो। बात हो गई है हमारी, रिजल्ट लगभग मैं आपको अमूमन बता सकता हूँ क्या है कि अगर मैं आपको कन्फर्म एक डेट बताऊँ फिर आप उस डेट के पीछे पड़ जाते हो। ठीक है, फिर मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि किसी भी कारणवश अगर एक या दो दिन ऊपर नीचे हो तो फिर उनके फ़ोन कॉल्स, उनके कमेंट्स, भाई अगर टाइम पे आता तब 4 सालों का हमारा इतिहास रहा है कि जो चीज़ बताई वो टाइम पे आता है उसी दिन पे। और बच्चों की क्या है कि ये हैबिट होती है, ये समझते नहीं है कि क्या कमेंट करना होता है क्या नहीं होता। खैर कोई नहीं, मैं आपको एक अमूमन डेट बता दूँ, आपको मैं अगर डेट बता दूँ रिजल्ट की, तो फर्स्ट ईयर का और फोर्थ ईयर का रिजल्ट आएगा। पहले फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जिसकी लगभग डेट रहेगी आपकी एक, और लिख दूँ मैं जुलाई। ठीक है भाई, 1 जुलाई को आपका जो फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर का लगभग 1 जुलाई के आसपास, 1 या 2 मान के चलो, इस दिन रिजल्ट आएगा। बाकी का भी लगभग 5 जुलाई तक आ जाएगा। सर फॉर्म कब भर सकते हैं बच्चों, एक सबसे वेरी 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 अगर मैं इंपॉर्टेंट आपसे साथ एक बात करूँ ना, कि जो बच्चे फोर्थ ईयर में बेटा थोड़ा समझते जाओ, पिछले साल भी मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने बड़ी गलती की थी। गलती ये है, आपकी गलती क्या हो रही, कि जो बच्चे अभी फोर्थ ईयर में हैं या जिन्होंने फोर्थ ईयर के भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो बच्चे जब भी रिज़ल्ट आए रिज़ल्ट आने के बाद में बेटा जो भी यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के पास में जाएँ, वहाँ पे बार बार चक्कर लगाएं, और आपको विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर आपको आपका क्या हो जाएगा, आपको आपका RN नंबर मिल जाएगा। आपको आपका क्या मिल जाएगा, RN नंबर मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे या किसी बच्ची की और भी क्वायरी है कि सर मुझे RN नंबर कैसे क्या मिलेगा, कब मैं फॉर्म क्या भर सकता हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर फिर भी किसी को क्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करोगे खाली 9636591860 नंबर पे, फ़ोन कॉल कोई भी नहीं करेगा, ओनली व्हाट्सअप मैसेज के लिए नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे मुझे, RN नंबर कब निकलने, कैसे निकलते, क्या कुछ है, मैं सारा आपको प्रोसीजर यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आया, ठीक है, जो भी बच्चे फोर्थ ईयर में 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आया, तो अराउंड मान के चलिए आपकी अगस्त और सितंबर, 1 सितंबर तक आपका RN नंबर बिल्कुल जी डिक्लेयर हो जाएगा। आप जाइए, जो अगर मान लीजिए कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मैं उसका पर्टिकुलर बता दूँ, RUHS में जाइए। अगर ऐसा कुछ है किसी के कि भाई ज़्यादा अर्जेंट है तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया मुझे संपर्क कर लेना, एक बार बात भी कर लेना। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप बोलिए, एप्लीकेशन दीजिए, अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए, आपका पूरा सबसे पहले नो ड्यू देखा जाएगा, कॉलेज के अंदर कोई ड्यू वगैरह तो नहीं है किसी भी प्रकार का, हो तो भुगतान कर दे टाइम पे ही, ठीक है बेटा, और उसके बाद में जो आपका मिल जाएगा। नॉर्थ सेट का एग्जाम सर कब होगा, नॉर्थ सेट में क्या एलिजिबल है, बिल्कुल नॉर्थ सेट 2023 के अंदर, इस साल जिन बच्चों ने फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। नॉर्थ सेट कब होगा सर, सेप्टेम्बर के अंदर नॉर्थ सेट होगा, कब सेप्टेम्बर, लगभग 17 सितंबर मान के चलिए 17 सितंबर तक नॉर्थ सेट होगा। आपके पास अभी भी 100 दिन है, कितने दिन है,
100 दिन है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, स्ट्रेटेजी के ऊपर हम आगे अलग से बात करेंगे। अगर किसी को और भी जानना है क्या बुक पढ़ूँ, ठीक है, देखो बुक कौन सी पढ़ूँ, कौन सी टेस्ट सीरीज लूँ, कौन सी कोचिंग लूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी बच्चों को ये रहेगा सर कि अच्छा ठीक है आप उनका प्रमोशन कर रहे हो, सो मैं किसी भी चीज़ का इनमें से नाम नहीं लूँगा। अगर आपको जानना है बहुत, अगर कोई बच्चे ऐसे उत्सुक हैं कि सर मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, क्या कुछ है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें क्या व्हाट्सएप मैसेज पर, मैं आपको बिल्कुल सारे बता दूंगा कौन सी बुक लेनी है, कौन से आपको कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, फोर्थ ईयर के अंदर जो बच्चे हैं वो नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। 17 सितंबर नॉर्थ सेट की डेट होगी, आपके पास मिनिमम 100 दिन अभी तक पढ़े हैं, कैसे क्या पढ़ना, क्या कुछ करना, सिंपल सा चलो ये भी मैं आपको साथ ही साथ बात बता देता हूँ, ठीक है, कैसे क्या पढ़ना वो भी बता देता हूँ। अभी आपके पास कितने दिन है, 100 दिन है। अगर आप सोचोगे कि मैं अभी कोई टेस्ट सीरीज ले लूँ और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मिला लूँ, बेटा भविष्य में भी ऐसी गलती मत करना। अगर मेरी मानते हो तो कभी भी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना कि मैं टेस्ट सीरीज लेकर के इस टेस्ट सीरीज के चक्कर में आगे आगे चलूँ, बिल्कुल नहीं। तो सर टेस्ट सीरीज नहीं लो तो भी क्या करूँ सर, 100 दिन में कैसे क्या करूँ, कोचिंग ज्वाइन करूँ क्या, बिल्कुल सर कोचिंग ज्वाइन भी मत करना, कोचिंग ज्वाइन करो मत करो, क्यों सर, क्योंकि 6 महीने में 3 महीने में बेटा कोई भी कोर्स कोचिंग वाला कंप्लीट नहीं करेगा, क्रेश कोर्स चलाएगा वो आपके समझ में नहीं आएगा। सर कैसे पढ़ूँ, कुछ मत करो फंडामेंटल, या फिर अगर ऐसा करो अगर आप कोचिंग ले तो ऑनलाइन कोर्स लो अगर किसी कोचिंग का, उस कोचिंग में बात भी कर लो कि भाई आगे जब मैं लॉन्ग टर्म यूज़ करूँगा तो आप मुझे इसमें कुछ बेनिफिट दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। कोचिंग वालों से बात करो कि सर मैं अभी आपका ऑनलाइन कोर्स खरीद रहा हूँ, आप मुझे ये चीज़ लिख करके दो, बेटा हमें से कोई भी चीज़ जब लेते हो रिटर्न में लो, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कोई भी चीज़ लिखो रिटर्न के अंदर लिख के दो कि सर आप मुझे ये लिख कर दो कि चलो मान लीजिए किसी कोचिंग का ऑनलाइन फीस 9000 है, ठीक है, तो उसे बोलो सर मैं 9000 अभी आपको दे रहा हूँ कि जब मैं आगे ऑफलाइन जब भी मतलब 3 महीने बाद जब भी ऑफलाइन ज्वाइन करूँगा क्या आप मेरे 9000 कम करोगे। अगर वो बोलते हैं बिल्कुल मैं आपके 9000 कम कर देंगे तो ठीक है बिल्कुल आप कोर्स वहाँ से आप कोर्स खरीद दो, कौन सा कोर्स खरीदोगे, ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे, ठीक है भाई, चलो ये बता रहा हूँ जो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं उनके लिए, अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, ज़रूरी नहीं 9000 का, 4000 का, 5000, 3000, जो भी आपको जो अच्छा लगे। अगर सर बुक की बात करोगे तो बुक का नाम मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे 9636 नंबर पे, मैं आपको बुक का नाम सजेस्ट कर दूँगा। उस बुक से आप क्या पढ़ोगे, थ्योरी, उसे क्या पढ़ोगे, थ्योरी, और एक बुक आप लोगे MCQ की, और उस बुक का भी नाम मैं आपको यहीं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। थ्योरी और MCQ जब भी आपके हो जाए, अब कौन कौन से सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है, फंडामेंटल, पीडिया, साइकेट्रिक, OBG, CHR, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, सर 5 सब्जेक्ट ये होगी, बिल्कुल सर 5 सब्जेक्ट आप 3 महीने में आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन मान लीजिए फंडामेंटल के हैं, 20 क्वेश्चन पीडिया के, 30, 20, 50, 20 इसके 60, 70, 20 इसके 80, 90, और इसके 20 मान लो 100, 110, 110 नंबर पर सिलेक्शन तो यही आपके करा रहे हैं। अब MSN सर आपने सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ी, थर्ड ईयर में नहीं पढ़ी, पढ़ी है सर, मतलब हल्का फुल्का आपको हिंट मिल जाएगा, हल्का फुल्का, फिर बाद में बची तो सुपरफिशियल MSN पढ़ना, क्योंकि MSN बहुत लेंथी है, इसके चक्कर में आप इन नंबर को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अगर भगवान ने चाहा तो आप ये नंबर ही आपके सिलेक्शन करा देंगे, अगर इसमें से आपके मान लो 20 नंबर भी आए तो 20 आए तो कितने हो गए, 110, 120, 130, और एक OTISU की क्लासें होती है, जो भी आप कहीं से भी देखोगे OTISU की क्लासें आपको मिल जाएगी, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे 10-15, जो भी कोई आपको पता YouTube पे क्रैश कोर्स चलाते हैं जो लास्ट के अंदर क्लासें चलाते हैं, वहाँ से 10 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं, तो लगभग आपको 140 नंबर का आंकड़ा यहीं पे पार हो जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। ये तो उनके लिए जो ऐसे कुछ पढ़ रहे बुक वगैरह लेकर के, ठीक है, और अगर कोई आप ऑनलाइन कोर्स खरीदो तो भी आप अगर इन्हीं सब्जेक्ट को पहले कवर करना, बाकी आप बाद में देख करना। तो ये सारी बातें हो गई यहाँ तक की, और भी अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर करें, जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको आपको सूचना सारी दे दूँगा, कैसे फॉर्म भरना, क्या भरना, क्या कुछ सारी बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है, चलो थैंक यू।